सलून पर निर्माणाधीन मकान से मोटर चोरी के मामले में दो अभियुक्त तो गिरफ्तार। पंकज कुमार पिता धनेश्वर निवासी सलून ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरा वर्तमान में निर्माणाधीन मकान लोकू विद्यालय के पीछे है, जिसमें समर्सिबल मोटर बोर में लगी हुई थी, जिसको अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। मेरी समर्सिबल मोटर ले जाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट पेश करता हूँ, वह कानूनी कार्रवाई करावे, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव आचार के निर्देशानुसार श्री मुकेश सांकला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सुश्री सुधा पालावल वृत्ताधिकारी ब्रश सलूम्बर के सुपरविजन में श्री हनुमान सिंह सोड़ा थानाधिकारी सलूम्बर मई टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त भवलाल पिता गोवनाजी निवासी भोईवाड़ा सलूम्बर व भद्रेश उर्फ भरत पिता स्वर्गीय कालूजी चौबीसा निवासी कृष्ण नगर कॉलोनी सलूम्बर को डिटेन कर पूछताछ की गई तो उक्त अभियुक्त गणों द्वारा रात्रि में समर्सिबल मोटर चुराना स्वीकार किया गया। बाद में पूछताछ में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर समर्सिबल मोटर को बरामद किया। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है।